प्रेरणा कथा सच्ची शांति। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि वो इस चित्रकार को पुरस्कार देंगे जो चित्रकार शांति का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाए। बहुत से कलाकारों ने अपने अपने चित्र बनाकर राज दरबार में भेजने शुरू कर दिए। राजा ने सभी चित्रों को देखा और उनमें से दो चित्रों को पसंद किया। अब राजा को उन दो चित्रों में से एक को चुनना था। उन दो चित्रकारों में से एक ने एक शांत तालाब का चित्र बनाया था। तालाब एकदम बिल्कुल एक शीशे की तरह दिख रहा था, बहुत ही सुंदर और शांत। उस शांत तालाब के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ थे। ऊपर बहुत शांत नीला आकाश दिखाया गया था और कहीं कहीं बहुत ही सुंदर सफेद सफेद बादल दिखाए गए थे। जिस किसी ने भी उस तालाब के चित्र को देखा उसकी बहुत ही प्रशंसा की और सभी सोच रहे थे कि वही चित्र सच्ची शांति का प्रतीक था। दूसरे चित्र में भी पहाड़ दिखाए गए थे, परंतु वो पहाड़ कठोर और पेड़ों और हरियाली के बिना दिखाए गए थे। आकाश को भी उग्र रूप में दिखाया गया था। बादलों से वर्षा हो रही थी और चमकती हुई बिजली भी दिखाई गई थी। चित्र में एक तरफ छलकते हुए पानी का एक झरना दिखाया गया था। कुछ भी शांतिमय नहीं दिख रहा था, परंतु राजा ने उस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखा। राजा ने देखा कि पानी के झरने के पीछे एक छोटा सा पौधा एक फटी हुई चट्टान के बीच में से निकल रहा था। उस छोटे से पौधे पर एक छोटी सी माँ चिड़िया ने एक छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था। पानी के झरने के पास बादलों से घिरे हुए आसमान से गिरते हुए पानी के बीच वो माँ चिड़िया बहुत ही शांति से अपने घोंसले पर बैठी अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कर रही थी और बहुत ही शांत दिख रही थी। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन से चित्र में पुरस्कार जीता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि शांत तालाब वाले चित्र को ही पुरस्कार दिया होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजा ने दूसरे चित्र को पुरस्कृत किया। जब लोगों ने उस चित्र को छानने का कारण पूछा तो राजा ने बयान दिया। राजा ने कहा, मैंने दूसरे चित्र को पुरस्कार के लिए चुना क्योंकि शांति का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई भी आवाज ना हो, कोई भी हलचल ना हो या कोई भी गतिविधि ना हो। सच्ची शांति का अर्थ होता है इन सब व्यवधानों के बीच में रहकर भी उस चिड़िया माँ की तरह शांत रहना और अपने घोंसले में अपने बच्चों की रक्षा करना। सच्ची शांति बाहरी चीजों या दृश्यों में नहीं होती है। सच्ची शांति तो हमारे हृदय में होती है। शांति का मतलब होता है कि हर प्रकार की आवाजों हलचलों और व्यवधानों के बीच में रहकर भी अपने मन को शांत रखना, यही है सच्ची शांति का अर्थ। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सच्ची शांति तो मन में ही होती है। एक व्यक्ति ऊपर से अपने आप को जितना भी शांत कहे, जरा सी आवाज से या जरा से व्यवधान से विचलित हो जाता है, परंतु एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो भीड़ और कोलाहल के बीच में भी शांति से अपने काम को कर रहा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।